हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लहसुन छीलने के वो तरीके जिससे आप लहसुन को बहुत ही आसानी से छील सकते हैं और घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जब भी आप मार्केट में लहसुन खरीदने जाएं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि लहसुन उस तरह के लो जिसके छिलके आसानी से उतर रहे हो और वो गीले ना हो, और उनके पीछे पूंछ ना निकली हो, जो हरी हरी सी जो लहसुन उगने लग जाते हैं वैसा कुछ ना हो और छिलके वाले हो, तो आपके लहसुन सबसे बढ़िया होंगे। तो चलिए, टिप नंबर 1 है, ये बहुत ही बेसिक टिप है। इसमें हमें अगर इंस्टेंट लहसुन छीलना हो, जैसे कि हमें 4-5 कुलियाँ ही निकालनी हो, तो उसके लिए हम ये टिप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लहसुन को लेंगे और इस तरह से पहले एक हाथ को इसके ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को उसी हाथ के ऊपर रखे, हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा लहसुन कितनी आसानी से एक एक कली अलग हो गई है इसकी। अब इन सब कलियों को साथ में लेके हम हल्का सा दोनों हाथों से रब कर लेंगे, उससे इसके ऊपर के जितने भी एक्स्ट्रा छिलके हैं वो निकल जाएंगे। छिलकों के निकलने के बाद आपको करना क्या है, बस एक लहसुन की कली लेनी है और उसको हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद उसको ट्विस्ट करना, और ये देखिए ये हमारा लहसुन छिल गया है। अगर आपको बल्क में लहसुन छीलना है, जैसे कि 1 किलो 2 किलो, तो उसके लिए मैंने आगे और टिप्स दे रखी है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं टिप नंबर 2। इसमें हम लेंगे एक बॉल पानी। इसमें मैंने 1 कप पानी लिया है बॉल में, जो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, हल्का गुनगुना पानी जिसमें हमारा हाथ आसानी से जा सके। और इसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा को पानी में डालने के बाद उसको अच्छे से हिला ले। अच्छे से हिलाने के बाद अब हम लेंगे लहसुन। लहसुन को हम चाकू की हेल्प से छीलेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक चाकू। तो चलिए फिर हम लेते हैं चाकू। तो मैंने चाकू का इस्तेमाल किया है, ये देखिए। पहले लहसुन को इस तरह से उल्टा करें और हर एक कली में हल्का हल्का इस तरह से निशान करें, तो उससे देखेंगे आपकी एक एक कली बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। और सब कलियों को निकालने के बाद, जैसे कि मैंने फर्स्ट टिप में किया था, उसी तरह इनको भी दोनों हाथों में डाल के रब करेंगे और ऊपर के एक्स्ट्रा छिलके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा छिलके निकालने के बाद अब हम इन सब लहसुन को इस पानी में डाल देंगे, और पानी में डालने के बाद इसको 1-2 मिनट तक रखेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने एक और लहसुन छील दिया और इसको भी इसी तरह साफ करके फिर इस पानी में डाल देंगे। हमारे 2 मिनट हो गए हैं, अब आप देखेंगे कितनी आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे। ये देखिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लहसुन के छिलके गीले हो गए हैं और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में। और आप बहुत ही आसानी से फटाफट सब छिलके निकाल दें और लहसुन को छील लें। इस तरह आप काफ़ी मात्रा में लहसुन को बहुत ही जल्दी छील लेंगे। आपको मेरी ये टिप कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सबसे पहले मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है और मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, और यहाँ पर मैंने लहसुन को डाल के हल्का हल्का लहसुन को सेक रही हूँ। लहसुन को हमें 2 से 5 मिनट तक सेकना है, और वो भी लो फ्लेम पर। इस बात का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो हमारे लहसुन पक जाएंगे, इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। लहसुन को तब तक हमें रोस्ट करना है जब तक कि इनके छिलकों में दरार ना आ जाए। तो ये देखिए हमारे छिलके में हल्की हल्की सी लाइनें बन गई है। ये देखिए ये लहसुन के छिलके उतरने लग गए हैं अपने आप। तो हम गैस को बंद कर देंगे और लहसुन को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। हमारे लहसुन ठंडे हो गए हैं और अब देखिए कितनी आसानी से इनके छिलके उतर रहे हैं। कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से छिलकों को उतार दीजिए और आपके लहसुन बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आप आसानी से छील सकते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए फिर चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। इसमें मैंने सबसे पहले लहसुन को 15 मिनट तक फ्रीजर में रख दिया था। फ्रीजर में रखने के बाद इसके ऊपर वाले डंठल को हम हटा देंगे। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये हटा देंगे। डंठल के हटाने के बाद आप देखेंगे कि सब कलियों की बहुत ही आसानी से आपकी इसकी कलियाँ एक एक कली निकल जाएगी, और इसके ऊपर से इसका लहसुन का छिलका भी उतर जाएगा।
बहुत ही आसानी से लहसुन को छील सकेंगे। ये देखिए, ये मेरी कलियाँ बहुत ही आसानी से निकल गई है और अब देखेंगे आप, इसके ऊपर से मैं इसको छील दूँगी, लहसुन को बहुत ही आसानी से छील दूँगी। इसमें भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ये झटपट हो जाता है। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करें और आप बताएं कि आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।